हे गाइस, वेलकम टू ऑल अगेन चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी, बस ये है कि कुछ ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन उम्मीद यही है, मेरी कोशिश यही है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फिर से वैसा ही वीडियो दे पाऊँ। और आप लोगों ने वीडियो को इतना लाइक किया, इतना प्यार किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और फिर से आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा। और जैसा कि पिछले वीडियो दिया गया था, उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर फिर हम लोग ट्रिक का ही सहारा लेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है, वो चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, मैं जो भी पढ़ाता हूँ कोशिश यही रहती है कि वो सारी ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट दो है, पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, बिल्कुल आसान है, कोई नहीं। जैसे इनमें से सबसे इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, तो नवीकरणीय मतलब हर बार नए तरीके से ऊर्जा का मिलना या नया होना। तो आप जानते हैं कि कोयला है, जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ऊर्जा दोबारा नहीं मिलेगी। पेट्रोल है, जलाएंगे खत्म हो जाएगा, ऊर्जा दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? पवन ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? पवन, ये जो हवा चल रही है इससे जो ऊर्जा मिलती है हर बार नई होके मिलती है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर हियर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि फिर से एक बार शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, राइट। तो क्वेश्चन देखे दूसरा, और यहाँ पर है जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग पहली बार में गलत कर जाएं, लेकिन इसका सही आंसर देखिएगा। जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं, या नगर पालिका कहते हैं। इसका सही आंसर देने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिला स्तर पर पंचायत समिति राज व्यवस्था को क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर पालिका। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है? जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हो सकता है आपने इसको पहले ना पढ़ा हो, या आप लोगों ने क्या है ग्राम पंचायत मारा हो बहुत लोगों ने, या फिर मारा हो पंचायत समिति, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है जिला परिषद, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको देख ले कि जिला परिषद बोलते हैं, जो आपका ये पंचायती राज है इसको जिला स्तर पर बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत में बन्नी घास का मैदान। देखिए, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और लाइक करें प्लीज। आपके लिए देखिए, जैसे कि लास्ट एक ही वीडियो आया था मेरा, तो आप लोग को इतना सपोर्ट मिला, तो आप लोग के लिए ऑब्वियसली डिमांड पर ही मैं आया हूं। बाकी आपको ईवीएस की क्लास हमारे आशीष सर है, काफी अच्छे से प्रैक्टिस से दे रहे हैं, तो कोशिश करता हूं कि उनके आशीष सर के पीछे मैं भी थोड़ा सा आप लोग की हेल्प कर सकूं। तो देखिए, भारत में बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो बन्नी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड, गुजरात, सिक्किम या जम्मू कश्मीर, बताएं। बन्नी घास का मैदान, बन्नी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? ये भी आप लोग के लिए शायद आपने पढ़ा होगा कि पश्चिमी में सोला घास का मैदान पाया जाता है, तो उसी तरीके बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो गाइस, ये बन्नी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है गुजरात। गुजरात में कहाँ? बोलो, कच्छ। गुजरात के कच्छ में बन्नी घास का मैदान पाया जाता है कहाँ पर? ये वाला जो एरिया है गुजरात का, यहाँ इस वाले एरिया में बन्नी घास का मैदान पाया जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लाइकेन है, ये तो रिपीटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कुछ बताना नहीं इसके बारे में, आपको पता है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है, मृतोपजीवी है, परजीवी है या सहभोजी है? तो लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का अगर हम देखें तो लाइकेन क्या है? ये सहजीवी है। किसका? किसका? बोलो गाइस, ये है क्या? कवक और शैवाल का। किसका? कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो ये कवक और शैवाल से क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। एक को भोजन, एक इसमें क्या करता है? भोजन की व्यवस्था करता है, दूसरा एक को आश्रय देता है। तो लाइकेन सहजीवी, सहजीवी का मतलब दोनों को फायदा हो, सहजीवी का मतलब दोनों को फायदा हो, उसको बोलते हैं सहजीवी। मृतोपजीवी, जो मृत जीवों पर रहते हैं, जो मृत जीवों पर रहते हैं उसको कंपोज डिकम्पोज करते हैं, उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। परजीवी,
परजीवी मतलब जो किसी के ऊपर से, जैसे ये जरूरी नहीं कि वो मरा हुआ जीवित ही है, तो किसी के ऊपर से जब वो भोजन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं परजीवी, या कोई वनस्पतियां होती है जैसे अमर बेल हो गया, तो कोई वनस्पतियां होती है उसको भी हम परजीवी कह सकते हैं। और सहभोजी मतलब जिसमें एक को फायदा होता है, यहां पर दोनों को फायदा होगा और सहभोजी में क्या होगा, एक को फायदा होगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो ये देखिए पहली ट्रिक आपको मिलने जा रही है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। अगर ऐसे मुझे क्लास मिलती रही गई तो जितनी भी ट्रिक है पर्यावरण से संबंधित, जितनी भी ट्रिक है मैं आपको सभी के सभी यहां पर याद करा दूंगा। बस आपने देखा तंबाकू दिवस या ऐसे भी जो भी है, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, कुछ भी है, या बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, सब देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर हम देखें तंबाकू दिवस, टोबैको डे कब मनाया जाता है, 1 सितंबर, 3 जनवरी, 31 मई और 22 अप्रैल को। इसका सही आंसर बताएं आप। देखिए इसका सही आंसर अगर मैं कहूं तो इसका सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, 31 मई। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जिनको नहीं याद उनके लिए देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है कि मान लीजिए जो तंबाकू है, तंबाकू में मान लीजिए कि 3 शब्द है या 3.5 शब्द में मान लेता हूं, ठीक है। तो चलिए तंबाकू 3 शब्द 3.5 शब्द का वो मैटर छोड़ते हैं। मान लीजिए जो तंबाकू है, जो तंबाकू है देखिएगा यहां पे, ये जो तंबाकू है, ये तंबाकू हम मानते हैं कि 3 रुपए में मिलती थी। तंबाकू कितने रुपए में मिलती थी, 3 में। 1 रुपए दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1। तो 3, 1 को हम एक साथ रखेंगे, 3 और 1 31 हो गया, तंबाकू 3 में मिलती थी, 3 और 1 हो गया। अब कितने में, 3 और 1, 1 बढ़ा तो कितने में मिलने लगी, में। और इस मई को आप ये भी तो बोलते हो, ये देखो मई को मई भी तो बोलते हैं, तो 31 मई को क्या हो जाएगा, टोबैको दिवस। या फिर एक तो ये आसान तरीका है, दूसरा आपके जीवन की कोई घटना 31 मई को जो आपके आपके फैमिली या किसी का बर्थडे हो तो उस पर आप याद कर सकते हैं क्या, 31 मई। जैसे किसी की शादी हुई हो तो आप वहां पर देख लें कि शादी में जब गए तो उसका स्वागत, बरातियों का स्वागत तंबाकू से किया गया, खाना में तंबाकू दिया गया, विदाई में तंबाकू, तो हर जगह तंबाकू इंटरलिंक करिए। किसी दोस्त का बर्थडे है तो उसको क्या करें आप, वहां पर तंबाकू तंबाकू तंबाकू, तो कब, 31 मई को। पहला एक तरीका है, और दूसरा 3 में मिलती थी, 1 बढ़ गया, 3, 1, 31 हो गया, और मई को क्या है, मई, और मई को आप इसमें कोलरेट कर लेंगे तो 31 मई को क्या हो जाएगा, तंबाकू दिवस। ठीक है, तो गाइस जल्दी से शेयर करते रहें इसको, और आप क्या करते रहें, लाइक करते रहें अगर पसंद आता है तो, ठीक है। और इस बात की तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रैक्टिस से जीत आ रही है इसको आप विशेष तौर पे डेली करें और पूरा क्वेश्चन लेकर जाएं, ठीक है। तो जैसे देखिए माइंड एंड बायोस्फीयर, इसको माइंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, इसको MAN भी बोलते हैं, इसको MAN भी बोलते हैं। तो गाइज ये जो शुरू किया था 1971, 1986, 1973 या 75, आपको बताना है राइट आंसर, कुछ नहीं, जो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, 1971 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया था, बोलो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था कब, 1971 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है बताएंगे गाइस। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वृक्षारोपण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ग्रीन किस में आएगा, ग्रीन तो एक वृक्ष आएगा और दूसरा ध्वनि आएगा, ध्वनि से संबंधित होगा, वायु और जल को छोड़ते। ग्रीन मतलब क्या, ग्रीन मतलब पेड़ पौधे, और ग्रीन मफलर, मफलर जब हम बांधते हैं तो मफलर क्या करता है, वायु जो उसको रोकता है कि जो उसके नुकसान होते हैं मफलर बांधने से, तो वहीं पे हम कहेंगे कि जो ग्रीन मफलर है क्या, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ पर जो वृक्ष लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो CO2 है इसको, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं वृक्ष, तो ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित क्या है, बोलो ग्रीन मफलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो ये भी क्वेश्चन जो है शायद आपके लिए नया हो लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, पर्यावरण मंत्री होता है। तो यहाँ पर फिर से आप में से बहुत लोग आंसर मारे होंगे, क्या बोलो, डी, क्या मारे होंगे, पर्यावरण, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होता है वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राइट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, आपको पता है। अगले क्वेश्चन के अगर चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम, तो यहां पर देखेंगे सॉरी कि इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। देखिए दो, भारत में जितनी भी नदियां हैं मैक्सिमम नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में जाती हैं, कुछ नदियां बीच में ही विलुप्त हो जाती हैं, जैसे लूनी नदी वगैरह जो है विलुप्त हो जाती है बीच में। तो अगर मैं यहां पर देखूं
बनाने की कोशिश करूँ तो ये आपका इधर अरब सागर हो जाता है और ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी हो जाती है, ये अरब सागर होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि महानदी स्वर्ण रेखा और क्या है गोदावरी यहाँ से निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से, यूं आई बंगाल की खाड़ी में, महानदी निकली सिहवा पहाड़ी से ये आई और यूं आई और यहीं से स्वर्ण रेखा निकलती है। एकमात्र नदी नर्मदा है जो यहाँ से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और बनता है कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती है और कौन सी है, माही नदी है। चार नदियां हैं कहां पर जो खंभात की खाड़ी में, वैसे इसका जो राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा से एक क्वेश्चन और की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है नर्मदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, आपने देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है, तो क्या है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक या ऐसी चीजें बनाता है जिसमें हमको कम ट्रस्ट रहता है, जैसे चाइनीज हर सामान है, तो वहां से कोलरेट कर सकते हैं, तो कौन जाएगा, चाइना। चाइना सबसे तेजी से कार्बन उत्पादन कर रहा है। एक चीज और कह सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जित, देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या तो हर चीज ट्रिक नहीं होती, उसको याद करने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर आप इसमें देखें तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या, बोलो चाइना। तो चाइना की जब सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, कार्बन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करेगा। इसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, बताइए गैस, धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मेथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है कि जो धान का खेत होता है दलदली स्थान होता है और थोड़ा सा वो वहां पर ऐसे जल के अनुसार या हमेशा एक प्रकार से कहें कि उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे स्थानों से हमेशा और हमेशा CH4 मेथेन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आगे मैं सभी क्रांतियां एक वीडियो मिलाऊंगा, जितनी भी क्रांति है सबको क्या है कि एक ट्रिक से सबको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है यहां पर, तो अगर आप देखें तो लाल ये भी है और इसमें से ऐसा कौन है जो लाल है, तो लाल टमाटर होता है। क्या है, लाल टमाटर होता है। इसके साथ साथ बोलो क्या, मांस। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर और मांस। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर और मांस से लाल क्रांति संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, इसको देखें, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में भी आ सकता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा, पौधे हैं या फिर नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ध्यान से देखिएगा, क्या पवन ऊर्जा है, ऐसे मत मान दीजिए, क्या पौधे हैं, क्या नाभिकीय ऊर्जा है, क्या पवन ऊर्जा, ठीक है अभी इसको रखते हैं। पौधों द्वारा जो ऊर्जा है वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, कभी जब सारे पौधे खत्म हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा जब वो भी खत्म होने के जो है चांसेस है, पवन और सौर में आएगा। सौर मतलब क्या है, बोलो सन। तो क्या सूर्य का ऊर्जा जो सौर ऊर्जा होती है, क्या वो कभी खत्म हो सकती है, अर्थात खत्म भी नहीं हो सकती, और जितने पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन सभी जीवों को सबसे ज्यादा ऊर्जा वहीं से मिलती है। उत्पादक जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सभी को सबसे पहले ऊर्जा सन से ही मिलती है, जितने भी प्रोड्यूसर हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, ठीक है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर निम्न होगा तो इसका है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ मैं दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, देखिएगा, ये याद करने वाली चीज नहीं है, ना तो इसकी कोई ट्रिक बन सकती है, ये कॉन्सेप्ट बेस है, मैं आपको समझा रहा हूं। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता पर क्या, बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले जानते हैं कि जैव विविधता माने कि निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश होता क्या है, ये क्या है, इस जो है निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश क्या है, चलिए देखते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपने ग्लोब बना लिया, ठीक है, ग्लोब बना लिया, और आपने इसमें पढ़ा होगा 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री, ध्रुवों पर क्या होता है, बोलो 90 डिग्री। तो यहां पर कौन बड़ा है, उच्च कौन है, 0 या 90, आप बोलोगे 90, ठीक है, ये उच्च अक्षांश हो गया गाइस, ये उच्च अक्षांश हो गया, और ये क्या हो गया, बोलो ये निम्न अक्षांश हो गया, निम्न अक्षांश हो गया। अब ये उच्च हो गया, अब ये निम्न हो गया। अब यहां पर बोला है कि जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम कहां से निम्न से उच्च की ओर जाएंगे। कॉन्सेप्ट देखिएगा, आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास में कि जो विषुवत रेखा होता है इस पर वर्ष में 2 बार सूर्य चमकते हैं, जिसको विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, कब, बोलो 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर, जब दिन और रात के बराबर होता है, जब दिन और रात बराबर होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी दिन और रात बराबर होते हैं तो दिन और रात बराबर होने की घटना क्या कहलाती है, बोलो विषुव कहलाती है, क्या, विषुव कहलाती है, और उसी वजह से इसका नाम विषुवत रखा गया, ठीक है। तो ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो आपने जब वर्ष में
वर्ष में यहां पर दो बार सूर्य चमकता है तो सबसे क्या है गर्म रेखा होगी, और जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी सबसे ज्यादा मानसून बनेगा, मानसून बनेगा तो वर्षा सबसे ज्यादा होगी, और जब वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र में वनस्पतियां सबसे ज्यादा आएंगी, जब वनस्पतियां बोलो सबसे ज्यादा आएंगी तो जंगल भी होगा यार, और वो जंगल कभी नहीं सूखेगा, मतलब हमेशा हरा भरा रहेगा, इसलिए उसको हम क्या एवर ग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन और निकल गया कि सदाबहार वन कहां पर पाया जाएगा, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो जब यहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे तो वहीं पर क्या है सबसे ज्यादा जीवों की वैरायटी पाई जाएगी, प्रजाति पाई जाएगी। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीव, इसका मतलब होता है जीव, और इसका मतलब क्या होता है जीवों की विविधता, क्या होती है जीवों की विविधता, अलग अलग प्रकार के, जैसे आप घर में हैं तो घर में दो तीन प्रकार के जीव हैं, लेकिन जैसे आप बाग में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, और बड़े जंगल में जाएंगे तो अलग अलग मिलेंगे, तो वही है जैव विविधता का मतलब। और इसके बारे में क्या है कि एक क्वेश्चन में और आपको बता दूं इससे जुड़ा हुआ कि 1985 में इसके बारे में गई 1985 में डब्ल्यू जी रोजेन ने सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताया, किसके बारे में जैव विविधता के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता है, लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं यहां पर बर्फीले इलाका पाया जाता है, बर्फ पाई जाती है, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है कोई भी निर्जन देश है, कोई भी नहीं पाया जाता, इसलिए यहां पर जैव विविधता सबसे कम होती है और यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। तो एक क्वेश्चन और, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पूछे तो विषुवत रेखा पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सबसे कम जैव विविधता तो ध्रुवों पर, अब यहां पर सबसे कम है और यहां पर सबसे ज्यादा है तो निम्न अक्षांश से आपको उच्च की तरफ जाना है, निम्न से उच्च की तरफ जाना है तो बोलो क्या होगी घटेगी, क्या होगी आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस बी, ध्रुवों पर ये विषुवत रेखा और ये यहां से इधर जाएंगे निम्न से उच्च की तरफ जाएंगे तो क्या होगा जैव विविधता जो होगा बायोडायवर्सिटी होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा घटती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा पारितंत्र कृत्रिम है, आपने पढ़ा है कि महासागर को हमने नहीं बनाया, झील को हमने नहीं बनाया, और क्या है कि धान का खेत, आंसर क्या हो जाएगा धान का खेत, इस राइट आंसर, क्योंकि खेत हमने ही बनाए हैं और उसमें खेत में या मिट्टी में धान हमने ही लगाया है तो वो हो जाएगा कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण। ठीक है, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक ट्रिक लीजिए इसके इसके द्वारा और हमेशा याद रहे ये कभी नहीं भूलेगा, मृदा के अध्ययन देखिए मिट्टी है यहां से हम पकड़ेंगे मिट्टी, ठीक है, और इसको आप देखें डेमोलॉजी कहते हैं, नियोलॉजी कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी, इसका सही आंसर देखिएगा क्या हो सकता है, तो यहां पर अगर हम देखें कि इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर है क्या पेडोलॉजी, आंसर क्या होगा इसका पेडोलॉजी, इसका राइट आंसर। एक ट्रिक लीजिए छोटी सी ताकि यहां से कभी ना भूले इसको, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, ये लीजिए मिट्टी, अगर मैं बोलूं आप अपने घर में फर्श पे है वहां पे कोई बीज डाल दे तो क्या वहां पर वह बीज बनेगा, बोलो नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर फर्श है मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी, अब जब वहां पर कोई बीज नहीं होगा तो क्या है पेड़ नहीं बनेगा, तो ये पकड़ो इसको पेड़ों को क्या बनाऊं पेड़ों, अर्थात जितने भी पेड़ हैं तो पेड़ों के विकास के लिए क्या जरूरी है, बोलो मिट्टी, क्या एक पेड़ के लिए सभी पेड़ों के लिए, तो सभी पेड़ कहाँ होते हैं मिट्टी में, तो पेड़ों के विकास के लिए क्या है मिट्टी होता है, पेड़ों से हो गया पेड़ों, और ये जो लॉजी शब्द है ना ये जिसको भी जिसके भी आगे लग जाता है उसका अध्ययन कर लेता है, अर्थात पेडोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा मृदा का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कुछ नहीं, हेपेटाइटिस बी से जो हमारा क्या है कि ये प्रभावित होता है लीवर, यकृत, लीवर प्रभावित होता है, इसमें होता क्या है कि ये कई बार कैसे होता है ये, तो ये जो होता है कई बार जो संक्रामक ब्लड होते हैं उसके या फिर जो शरीर के तरल पदार्थ होते हैं ना उसके ये उसका संवहन करते हैं, उसके वजह से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तमिलनाडु, गुजरात, असम और महाराष्ट्र, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ तीन चार में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, असम में है क्या नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। आइए देखते हैं इसका ट्रिक, एक आप सेंटेंस लिख ले गाइस, एक सेंटेंस लिख ले, आसमान में रंग, आसमान में रंग, अब इसका क्या ट्रिक है देखो, आसा ये हो गया आसाम, आसाम हो गया, ठीक है, मान से हो जाएगा गाइस मानस, मान से हो जाएगा मानस, और ना से हो जाएगा बोलो क्या नमेरी, मान से मानस ना से नमेरी हो गया, रंग के दो रूप हैं बोलो क्या क्या, एक तो हो जाएगा औरंग, एक तो हो गया औरंग, और यहां पर एक हो गया बोलो क्या काजीरंगा,
एक हो गया औरंग और एक हो गया काजीरंगा, अर्थात दोनों में यहां पर रंग मिल रहा है। तो आसमान में रंग से चार आपको याद हुए, औरंग याद हुआ, काजीरंगा, मानस और क्या है नमेरी। ठीक है, आई होप आपको जो है याद हो गया होगा जितने भी असम में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ठीक है, राइट। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल पर्व किस राज्य से संबंधित है? पोंगल पर्व जो कि कई कृषि उत्पादन के उसमें मनाया जाता है, पोंगल पर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये पोंगल है। ठीक है, यहाँ पे बिंदी लगेगी, पोंगल है तो कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक और देख लीजिए, एक छोटी सी ट्रिक और देख लीजिए। जैसा कि मैं बताया था कि एक साथ कई चीजें को मैं जोड़कर याद कराता हूं। ठीक है, तो देखिए पोंगल पर्व और यहीं पर है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस का पर्व भी कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा होगा कि पुलिकट झील भी यहां है। कौन सी झील बोलो? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो हम मान लेते हैं कि तमिलनाडु में पुलिकट झील है। तो देखिए पुलिकट आपने पढ़ा होगा कि कई बारी है, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे यहाँ का क्या है, नैनी ब्रिज है जो बहुत सोसाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नैनी ब्रिज है और यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर दो लोग हैं। ठीक है, फिर से वही, ये कौन है बोलिए? सी है, और ये कौन है बोलिए? ही है। दोनों पुल पर खड़े हैं, दोनों क्या चाहते हैं बोलो? मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं दोनों? मिलना चाहते हैं गाइज। क्या चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। तो यहां भी मिलना आया है और यहां भी मिलना आया है, तो बोलो पुलिकट झील क्या हुआ? मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आ रहे थे, मिल रहे थे, उसी समय क्या हो गया? पुल, ये पुल आया और पुल क्या हो गया बोलो? कट गया। पुल क्या हो गया? दोनों मिलना चाहते थे और मिलने आ रहे थे, उसी समय पुल क्या हो गया? कट गया। तो पुल कट से हो जाएगा पुलिकट झील और मिलना से हो जाएगा तमिलनाडु। एक ट्रिक। दूसरी ट्रिक आई है, दूसरी ट्रिक देखिए, जब बोलो मिलने आएंगे, मिलने आएंगे, तो मिलने से पहले ये जो है ही और सी, ये भाई साहब और ये मैडम, जब ये दोनों मिलने आएंगे तो मिलने आने से पहले क्या ये सेंट छिड़क कर आएंगे? नहीं, सेंट छिड़क कर आएंगे, तो सेंट से क्या हो गया? सेंट थॉमस हो गया। सेंट से हो गया सेंट थॉमस। और आएंगे किस लिए? किस लिए आएंगे मिलने? बोलो गल करने। क्या करने? गल करने। क्यों आएंगे मिलने? गल करने माने कि बात करने। तो पुल पर दो लोग खड़े थे, ही और सी, वो आ रहे थे, पुल कट गया तो पुलिकट झील, और मिलना चाह रहे थे तो तमिलनाडु। ठीक है, राइट। उसके बाद पोंगल, पोंगल से आ रहे से पहले सेंट छिड़के थे ना, सेंट लगा कर आए थे, तो सेंट थॉमस का पर्व कहां है? तमिलनाडु में। पोंगल तो गल करना था उनको, तो पोंगल से हो जाएगा तमिलनाडु। राइट, तो एक साथ तीन क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप यूं माने कि आर्द्रभूमि दिवस, नमी सबसे ज्यादा इसमें से किस महीने में हो सकती है? तो जहां पर सबसे ज्यादा ठंडी होगी ऐसे याद कर सकते हैं, तो 2 फरवरी, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस, और इसी से संबंधित एक रामसर समझौता होता है। इराक का शहर है कि ईरान का है, सॉरी, तो रामसर समझौता होता है, रामसर समझौता होता है जो कि किससे? आर्द्रभूमि से संबंधित है। राइट, तो कई बार पूछता है कि रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से, और कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? याद हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है बोलो? अलीपुर। कहाँ? कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, जितनगर, कोयम्बटूर नहीं है, क्या है कि अलीपुर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वाली को देखिए, सिर्फ याद करने के लिए, अल्लाह, अल्लाह माने कि ईश्वर, जो अल्लाह होते हैं, अली को क्या बनेंगे? अल्लाह, और अल्लाह क्या है? सबसे बड़ा है। अल्लाह क्या है? सबसे बड़ा है। तो अली जो अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता में, वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आइए अगले अगले चरण अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील हरि शैवाल क्या है? नील हरि शैवाल क्या है? शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है? बिल्कुल इसको आप लगाएं, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, और क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है, शायद पहली बार आप लोग को देखने को मिल रहा हो। तो नील हरि शैवाल, शैवाल, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है ये है जीवाणु। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे शैवाल या फिर कवक, इसका जो सही आंसर है क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो कि नमी वाले या धान के खेत वगैरह इलाके में ये पाया जाता है, जो कि जिसको क्या है कि यह नील हरित शैवाल बोलते हैं, हरे रंग का होता है, हल्का हरा होता है, जो धान के खेत वगैरह में अक्सर दिख जाता है, तो बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, ना कि शैवाल, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? तो आपको पता है ग्रीन पीस कहां पर है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम। कहां पर है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है यह।
एम्स्टर्डम में है या इसका मुख्यालय ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इंटरनेशनल एक एजेंसी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन नहीं होगा, पर्यावरण का घटक है, पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते जाएं और कोशिश करें, हमारी भी कोशिश है, चंद्रा इंस्टीट्यूट की भी, आपकी भी, ठीक है। कुछ हम कर रहे हैं क्योंकि अभी समय है नहीं गाइस, ठीक है। तो अभी नवंबर चल रहा है, 22 दिसंबर को डेट है, तो इसमें आप कोशिश करें कि सिलेबस को जल्दी से खत्म करके फिर जो भी प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही आपको स्कोर करता है, ठीक। तो देखें इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक अध्ययन यहाँ पे नहीं होगा, पर्यावरण का घटक नहीं है मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल। तो मानव कहाँ रहता है बोलो, पर्यावरण में। वायुमंडल कहाँ, पर्यावरण एक क्षेत्र है, और जलमंडल में आपने पढ़ा पर्यावरण का क्षेत्र ये भी है, अर्थात क्या, सौरमंडल। सौरमंडल मतलब सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में जो हमसे बहुत दूर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गलत। तो पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का घटक इसमें से कौन नहीं होगा, सौरमंडल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए एक ट्रिक फिर से देता हूं मैं आपको, जो कि कभी नहीं बोलेगा जीवन में, पहली बार ऐसी ट्रिक, ठीक है, आपके लिए, यूपी टेट के लिए। तो यार फैक्ट क्या है, सब ट्रिकी बेस है, ठीक है। तो कोशिश करें, जैसे जब मैं क्लास देता हूं तो मैक्सिमम चीजें ट्रिक से ही याद करवा देता हूं, हालांकि अभी प्रैक्टिस में, तो आप सबके लिए मैं ऑनलाइन उपलब्ध हूं, तो इसको आप देखते रहें। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप सभी को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिसको पता है अच्छी बात है, और नहीं पता है तो उससे भी अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आज के बाद जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। ऐसी ट्रिक है कि देखा और लिखा सिर्फ याद होगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये देख लीजिए, क्या बोलो, कर्क रेखा, आंसर क्या है, 8। आंसर क्या है इसका, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिनको नहीं याद है, देखिए ट्रिक, बस आपको लिख लेना है केवल क्या, कर्क रेखा, केवल कर्क लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 बार ही आया ना, तो 8 बार में कर्क रेखा गया। क्या शानदार ट्रिक है, किसके लिए, यूपी टेट आपके लिए याद करने के लिए बनाया गया है कि इसको 8 राज्यों से गुजार दिया गया है, किसे, कर्क रेखा को, ताकि जो पढ़ने वाले यूपी टेट के, सुपर टेट के स्टूडेंट्स है उनको याद हो जाए। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपको ना याद हुआ हो तो, कर्क को ऐसे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 बारी में लिख गया है ना, तो अलग अलग पेन उठा के लिखना है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी मैं वो बता दे रहा हूं, ठीक है, कहां से गुजरेगी मैं वो बता दे रहा हूं। इसकी कई सारी ट्रिक है, लेकिन आप इसको देख लें, कहां से यह गुजरेगी या कहां से गुजरेगी, इसको आप देख लें एक बारी। हालांकि मैप मैं थोड़ा ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूं, बहुत अच्छा तो नहीं यहां पर बन पाएगा गाइस, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं बना दूं, ठीक है, सॉरी। अगर डिजिटल बोर्ड है तो यहां पर उस हिसाब से बोर्ड का वो आ नहीं पाता, फिर भी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए बनाकर और मेंशन कर दूं, ठीक है। यहां पर ये हो गया, ठीक। अब यहां से जो गुजरेगी कर्क रेखा, कहां से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि गुजरात आएगी, मध्य प्रदेश आएगी, राजस्थान आएगी, छत्तीसगढ़, झारखंड आएगी, ऊपर पश्चिम बंगाल ले लेती है, मिजोरम हो जाता है और त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है। 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कितने राज्य से, 8 राज्य से, और ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, और आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा, ठीक है, 8 राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, ठीक है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, इसको आप बार एक बार देखें, यूएनएपी, यूएनडीपी, आईयूसीएन या मैप। देखिए तो रेड डाटा बुक है वो किसके संबंधित है, रेड डाटा बुक जो है वो जीवों से संबंधित है, जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उसके लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, किसके द्वारा, ये आपका आयुसीएन, किसके द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुसीएन। और इसका कभी कभी पूछ लेता है आपका फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर
ठीक है। तो रेड डाटा बुक जो जारी किया जाता है वो IUCN द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब इसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि NGT ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो है स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना अगर आप देखें तो अक्टूबर 2010 या फिर अप्रैल 2015, मार्च 2011 या फिर फरवरी 2009, ठीक है। तो याद करिए यार, याद करिए यार अपने अपने जो है 2010 की कोई घटना, ठीक है, 2010 की कोई घटना याद करें जो आपके जीवन में घटी हो, उस समय क्या है पूरा देखिए आप, सब कुछ हरा भरा हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर में ही NGT की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, ठीक है। अब देखिए इसको भी देख लीजिए, आपको होगा फिर भी मैं बता देता हूं, कोई भी मिट्टी आप ऐसे याद करने के लिए कह सकते हैं कि कोई भी मिट्टी तभी उपजाऊ होगी जब उसमें जल की जो है अधिकता होगी या उसमें नमी होगी। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें जल शब्द कहीं छिपा है, ये देख लीजिए जल। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी क्या हो जाएगी, जल। भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, और इसी को आप कौन सी मिट्टी बोलते हो गाइस, दोमट मिट्टी बोलते हो, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या नदी बेसिन पे, नदियों के किनारे पर पाई जाती है, घाटी पर, समुद्री तट पर अक्सर ये मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी बोलो, खादर गाइस, कौन कौन सी खादर और बोलो क्या, बांगर, ठीक है। तो खाद नई होती है, ट्रिक देख लो, खाद नई होती है तो नई मिट्टी, फसलों में जो खाद डालते हो नई होती है ना, तो नई मिट्टी हो गई, और नई इसलिए डालते हो खाद ताकि उपजाऊ हो जाए, और इसलिए जो खादर मिट्टी है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। बांगर क्या होती है, यह पुरानी मिट्टी होती है, और जो कि खादर उपजाऊ, खादर जो है खाद डाले हो ना, तो खाद डाले हो तो खाद से उपजाऊ हो जाएगा, बांगर इसके अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। तो कौन सी जलोढ़ मिट्टी नई होती है, खादर, कौन सी जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, तो खादर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटाखों से कौन सी गैस नहीं निकलती, देखिए यहां पर दे रहा है, तो पटाखों से कौन सी गैस नहीं निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बाकी CO2 और SO2 निकलती है। अभी अभी आपने दिवाली का पटाखा चुना जो है बजाए होंगे पटाखा, तो उसमें आप देखें कि पटाखा से कौन सी गैस निकलती है या नहीं निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलो, 29 का ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं पोल्यूशन से, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है, ठीक है, इसमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। तो देखिए यहां पर हम देख लेते हैं कि द्वितीयक प्रदूषक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक होता क्या है, कि प्रदूषक है क्या, प्रदूषक वह होते हैं जो किसी भी जो हमारा पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक है उसके जो मूल रूप है उसमें परिवर्तन कर दे, या फिर उनके मूल रूप में बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, ठीक है, जैसे या फिर जो गैसों का संतुलन है उसको उसमें क्या है, उसमें परिवर्तन हो जाए, तो इस वजह से क्या बोलते हैं उसको, प्रदूषक बोलते हैं। प्रदूषक वह है जो हमारे पर्यावरण में जो है हस्तक्षेप करते हैं जिसके उससे मूल रूप परिवर्तित हो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहां पर द्वितीयक, अब देखिए प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है कौन सा बोलो, द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक वह होता है जो जिस मूल, जिस रूप में है उसी रूप में जो जो है हानि पहुंचाए, जिस रूप में है उसी में जब नुकसान पहुंचाता है। और द्वितीयक प्रदूषक वह होता है जो क्या करता है कि दूसरे से, दूसरे के साथ क्रिया करके या दूसरे रूप में चेंज होकर, अर्थात प्राथमिक प्रदूषकों से सहायता लेकर फिर पोल्यूशन फैलाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि जो CO2 जिस रूप में है उसी में हमको पोल्यूटेड करती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिस रूप में है सल्फर डाइऑक्साइड के में फॉर्म में ही वो प्रदूषण फैलाती है, यह भी जिस रूप में है उसी रूप में क्या है कि पोल्यूशन फैलाती है। लेकिन जो ओजोन है जो वह द्वितीयक प्रदूषक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। और ओजोन कैसे हमको प्रदूषण, ओजोन कैसे प्रॉब्लम करती है, हम जानते हैं कि जो समताप मंडल में ओजोन लेयर है इसके रहने से तो हमको क्या है, फायदा है,
इसके रहने से हमको फायदा है। लेकिन जब भी कभी सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं तीन प्रकार की उनमें से, तो जो भी आती है तो इसका क्या डिप्लेशन करती है, अर्थात इसका क्या क्षरण करती है, और जब क्षरण करती है ओजोन टूट जाता है, तो उसके बाद ही हमको नुकसान पहुंचाती है एक्चुअली में। तो इसका द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहे आपके 30, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, जो कि हमने हर जगह से उठाया था। तो आई होप यह वीडियो और कुछ ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी, जैसा कि पिछला वीडियो में आपने ट्रिक देखा है, ऐसे बहुत सारी अभी ट्रिक है जो ट्रिक से पूरा याद होता चला जाएगा गाइस। ठीक है, तो एक बार गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब स्कोर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।